ब्रिज यहाँ पे है, पानी वहाँ तक है, तो ये पानी जो है ब्रिज के ऊपर से बह रही थी, इसीलिए ये ब्रिज खत्म हो गया है। रेत से भरा हुआ है घर, इतना अच्छा घर बनाया था, सब कुछ खत्म हो गया है। यहाँ से लेकर ना रोड के बीचों में गाड़ियाँ दबी हुई है और वहाँ पे गाड़ी उल्टी पड़ी है, तो वहाँ पे ट्रक दबा हुआ है, आगे फॉर्च्यूनर ट्रेन एक्सकैवेटर सब कुछ यहाँ पे जो है खत्म, तहस नहस हो गया है गाइस। भगवान है कहाँ रे तू। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड गाइस, आप सबको पता ही है सिक्किम और टिस्टा जो वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है वो सब अभी ग्लेशियर ब्रस्ट हो गया ना, वैसे लेक जो है ब्रस्ट हो गए, सब कुछ बह ले गया है और जो बाढ़ थी गाइस वो यहाँ तक आए हैं, आप चेक करें आगे। और यहाँ पे ना सारा का सारा जो गांव था और कितने घर भी यहाँ पे बर्बाद हो गया है, ये चेक करें गाइस, सारा का सारा जो है यहाँ पे रेत जमा हुआ है। अरे ना कई जगह पे तो दलदल भी है गाइस। और ये है तारखोला जो वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम का बॉर्डर है एक्चुअली, यहाँ से थोड़ा आगे रंपू है। और गाइस ये जो सारा का सारा एरिया है ना सब कुछ बर्बाद हो गया है। और ये चेक करें गाइस घर, यहाँ पे घर था सारा का सारा, ये जो घर में भी है ना बाढ़ घुस गई थी। और ये घर का नज़ारे चेक करें गाइस, ये जो दरवाजे थे ये भी ख़त्म है, ये पर्दे लगे हुए हैं जैसे कि जैसे, और यहाँ पे जो पर्दा है ना वो भी जैसा का तैसा है, ये चेक करें गाइस, पूरा मिट्टी मिट्टी लगा है। ओ भाई साहब, ये चेक करें गाइस, सारा का सारा जो रेत से भरा हुआ है घर, इतना अच्छा घर बनाया था, सब कुछ ख़त्म हो गया है। ये अंदर बेड वगैरह सब कुछ वैसे वैसे पड़ा है, बस घर पूरा रेत से भर गया है। यहाँ पे आलमारी, गोदरेज सब कुछ था यहाँ पे अंदर, तो ये इसके अंदर तो बेड होगा शायद, कुशन वगैरह सब कुछ है वैसे वैसे पड़ा है। हाँ यहाँ पे ना बड़ा नुकसान हो गया यार। और ये चेक करें गाइस, जो कांच है ना खिड़की का ये भी टूट के गया है, अगर हो सके तो मैं अंदर जाके भी दिखाऊंगा, और इसमें दलदल नहीं है, पर चलो भाई सॉलिड बन गया है, नहीं यार इसके अंदर नहीं जाएंगे। गाइस इसके अंदर ना नहीं जाएंगे क्योंकि ये अंदर ना दलदल जैसा है, तो अकेला हूँ ना, बाद में फिर फंस जाऊँगा तो मुश्किल पड़ जाएगी। रेस्क्यू टीम है यहाँ के, लोकल रेस्क्यू टीम, कई फोर्सेस है, सब लोग अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, और 100 से ज़्यादा लोग हैं ना गाइस अभी मिसिंग है यहाँ पे, तो सबका रेस्क्यू का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। और अभी मैं फ़िलहाल आया हूँ उसी घर के छत पे, छत तक पानियाँ भरी है गाइस, और यहाँ से चेक करें गाइस कहाँ तक बाढ़ आई थी। और ना यहाँ पे था एक लोहे का बहुत ही बड़ा और भयंकर वाला ब्रिज, लेकिन उसको भी तहस नहस कर दिया है, ब्रिज का जो आधा हिस्सा है वो यहाँ पे है, और उस पार भी जो कंपनी ने बनाए थे कुछ अपने काम के लिए वेयर हाउस वगैरह सब कुछ बह ले गया है, और गाड़ियाँ भी डूबी है, गाड़ियाँ भी यहाँ से बह ले गया, सब कुछ ही ख़त्म हो गया गाइस, वो चेक करें। और ये फ़िलहाल हूँ मैं तारखोला पे, और यहाँ से आगे ना आपको रंपू मिलेगी, वहाँ पे भी ख़त्म हो गया, और उसके आगे फिर आपको सिंगथाम मिलेगी, वहाँ पे ना सिंगथाम पे एक्चुअली हुआ है बहुत ही बड़ा नुकसान, वहाँ पे तो पूरा बाजार ही तहस नहस हो गया है। वहाँ पे आप जाओगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई यहाँ पे भी गांव था, यहाँ पे भी बाज़ार लगते थे, सारा का सारा तहस नहस हो गया है गाइस। ये बाढ़ ना बहुत ही भयंकर हो गई थी,
ये जो है रेगुलर नदी है तीस्टा का, अभी थोड़ा बढ़ गया है शायद। अरे ये नदी ना बढ़ के गाइस वहाँ तक आया था, है ना, बहुत ही डेंजर। अरे ये घर कितनी मेहनत से बनाई होगी, अभी कुछ काम का ही नहीं है। अभी लोग यहाँ पे रहेंगे भी नहीं, क्योंकि ये चेक करें गाइस कितना अच्छा खूबसूरत घर था, सब कुछ रेत से भर गया है और शायद कुछ भी निकाल भी नहीं पाए। और यहाँ पे भी सुनने को आया एक जो बड़े बुजुर्ग थे वो उसको नहीं बचा पाए, उसको भी बे ले गया, बाकी सब जो है सही सलामत यहाँ से निकल गए। यहाँ पे ना घर थे तो यहाँ का पूरा जो है ख़त्म हो गया है। अरे ये ब्रिज का ना भाई, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्रिज था, उसका जो ब्रिज का आधा हिस्सा है वो उस पार है, वो भी ख़त्म भाई। आप पहुँच के देखो कितना बड़ा बाढ़ था भाई ऊपर ग्लेशियर में ना गाइस, बहुत ही भयंकर वाला सीन हो रखी है। ओ भाई ये देखिए गाइस जमीन में ना बह गया, अभी देखिए दलदल है गाइस, वहाँ पे नहीं जाते हैं। शुरू हुई थी और वहाँ तक शायद ख़त्म। पिलर देखिए आप चेक कर सकते हो कि कितना बड़ा था। एक आइडिया से ना ब्रिज यहाँ पे है, पानी वहाँ तक है, तो ये पानी जो है ब्रिज के ऊपर से बह रही थी, इसीलिए ये ब्रिज ख़त्म हो गया है। अब इस पार तक चेक करते हैं गाइस क्या है एग्जैक्टली। और ऐसे न जाने कई बॉडी ना अभी बह के कहाँ कहाँ चले गए ये पता नहीं है गाइस, और कितने लोग तो अंदर ज़मीन के अंदर दबे हुए हैं। ये पूरा का पूरा रेत है ना यहाँ पे भर गई है। कुछ लोग का जो डेड बॉडी है ना वो कहाँ मिला पता है, ये टिस्टा ना बह के निकलता है सिलगढ़ी के वहाँ, और सिलगढ़ी के वहाँ वहाँ पे तीन बॉडियाँ कल ये बरामद हुई। प्लीज़ गाइस प्रे फॉर स्कीम, प्रे फॉर सिंगताम, प्रे फॉर टिस्टा, प्रे फॉर रंपू, सबके लिए प्रे करें गाइस। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, आगे रंपू है और रंपू साइड भी देखते हैं गाइस, वहाँ पे भी ना बहुत ही भारी नुकसान हुई है। ये है तारखोला एरिया और अभी हम जा रहे हैं रंपू, तो वहाँ पे जाते हैं गाइस। सो गाइस अभी मैं फ़िलहाल आया हूँ रंपू और ये है रंपू के ब्रिज नया वाला, चलिए वेस्ट बंगाल का लास्ट ये से चले गाइस। बाढ़ ना गाइस बहुत ही भयंकर आई थी, अभी भी ना पानी में बहुत ही ज़्यादा तेज़ बाढ़ है गाइस। गाइस ये बाढ़ ना यहाँ तक आई थी, अभी तो नॉर्मल है लेकिन ये बाढ़ यहाँ तक आई थी गाइस, और थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता तो ना ये सिक्किम का जो ब्रिज है नया वाला रंपू में ये भी ख़त्म हो जाता। थैंक गॉड ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन भाई अभी भी ना बहुत ही भयंकर वाला अभी बाढ़ यहाँ पे भर के है। और ये भाई गाड़ी का टायर, यहाँ पे ना बहुत सारे गाड़ियाँ दबी हुई है अभी। और ये है रंपू गाइस, यहाँ से शुरू होता है सिक्किम और ये है सिंगताम गैंगटॉक नामची लाचेन जाने वाले रास्ता। आप यहाँ से सीधा जाओगे तो ये सब लोकेशन में आप पहुँच जाओगे, और यहाँ से आप जाओगे तो रंपू का बाजार है एक्चुअली। तो यहाँ से होती है सिक्किम शुरू, रेत जमा है पानी से ना, वो भी ख़त्म होने को है अभी, वो भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी, ख़त्म हो जाएगी बह जाएगी। और ये जो ट्रक वगैरह भी फंसा हुआ ना ये सब रोड ना होने के कारण यहाँ पे फंसी है, और जो ड्राइवर है जो ट्रक चालक है जो बड़े बड़े हाईवे में ट्रक चलाते हैं ये सब ना बाहर का ट्रक है, कोई यहाँ कोई लेके जा रहा था तो कोई लेके आ रहा था सामान, तो भाई सब कुछ ना अभी यहाँ पे रुक गई है, तो अभी क्या ही कर सकता है गाइस, बहुत ही बड़ी नुकसान। भाई साहब ये देखे गाइस,
अभी लहरें देखे गाइस कितना भयानक है ना भाई। इसके अंदर ना बहुत सारी गाड़ियां दबी है, जैसे भी क्रेन, ये जितने भी कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं ना, कितने गाड़ी गए न जाने, अनगिनत गाड़ियां यहाँ पे डूबी हुई है। यहाँ पे ना भाई गांव था एक्चुअली, कितने सारे घर अभी यहाँ पे तहस नहस हो गया, सब कुछ खत्म बर्बाद। और सबसे ज़्यादा मेजर नुकसान हुआ है सिंगताम में, जो यहाँ से है कितना किलोमीटर था, शायद 15-20 किलोमीटर होगा, कालिम्पोंग, सेवक, सिलीगुड़ी एंड कोलकाता। सिंगताम में ना गाइस बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया है, और रोड तो बिल्कुल भी नहीं है, रास्ते में रोड बंद है। अभी मुझे कालिम्पोंग जाना है तो यहाँ से ऊपर है और वो रिवर साइड नहीं पड़ता है, इसीलिए वो रास्ता अभी सेफ है, लेकिन सारा का सारा गाड़ियाँ ना भी वही रास्ता जा रहा है, तो वहाँ पे भी आपको जाम मिलेगी ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे गाड़ियाँ एक ही रोड, एक ही अभी हमारे पास रास्ता है यहाँ से, तो यहीं से जाते हैं लोग। ये है रामपुर का नया ब्रिज, जो पुराना था वो उस पार था। अरे आगे रामपुर का बाजार है, यहाँ पे ना पूरी की पूरी रेत भरी हुई है। ये जो टिस्टा रिवर साइड है ना, वहाँ पे भी बहुत ही भारी नुकसान हुई है, और वहाँ का दृश्य आपको मैं कल दिखाऊंगा, क्योंकि अभी रोड कनेक्शन है ना बिल्कुल भी नहीं है, तो टिस्टा के लिए मुझे फिर दूसरा रास्ता पकड़ना होगा, तो आपको टिस्टा का भी नज़ारा दिखाएंगे। ये जो घर वगैरह देख रहे हैं ना आगे, सब कुछ दबा हुआ है, शायद वो दो माले का घर होगा, पूरा का पूरा जो है अंदर दबी हुई है रेत के अंदर। ये देखिए ना, तो कुछ निकल पाए ना तो कुछ हुआ यहाँ पे, अभी जो है घर के अंदर सारा का सारा रेत है। ये जो सारा का सारा जो गांव है ना, वो पूरा खाली कर दिया है, और ये गांव के जो भी लोग थे ना, यहाँ के लोगों को ना एक स्कूल में या तो कोई चर्च है, कुछ भी बड़े बड़े हॉल में जाके वहाँ पे रिलीफ कैंप बना के वहाँ पे रखा हुआ है, और गवर्नमेंट उन सब के लिए खाने पीने का सारा कुछ बंदोबस्त कर रहा है। और हमारे कई लोग हैं किसी गांव से, दूसरे गांव से भी आके रिलीफ, जो भी सामान है, जो भी खाने पीने का सामान, वो सब कुछ यहाँ पे आके भी दे रहे हैं। और ये चीज़ ना भाई, सपोर्ट ये टाइम पे सपोर्ट ही बहुत ही बड़ी चीज़ है, और भाई प्रे करें ऐसा किसी के साथ ना हो, और आने वाले दिन में भी कभी ना हो, क्योंकि भाई एक ही झटके में जो है ख़त्म। ये देखिए भाई, यहाँ पे ना सारा का सारा जो गांव था, एक घर भी अभी भी बने हैं, यहाँ पे भी शायद बन रहा था, सब कुछ ख़त्म। और अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये है एक समुंदर, तो नज़ारे कुछ इस तरीके का हो गया है, लेकिन भाई यहाँ पे ना पूरी पूरी गांव थी। अभी आपको मैं उस पार भी दिखाता हूँ, और यहाँ से शुरू होती है सिक्किम सारा का सारा जो है, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगा अभी, गाइस यहीं से उधर जाना पड़ेगा। चलो
गाइस क्या ही कर सकते हैं, कुदरत की केयर है। और यहाँ पे ना गाइस पूरी पूरी गांव जो है बर्बाद हो गई है, और यहाँ का नज़ारे भी आपको दिखाएंगे। कम से कम 30,000 से ऊपर टूरिस्ट अभी सिक्किम के अंदर है, जो रोड ना होने के कारण फंसी हुई है। ये जो पूरा का पूरा गांव है ना, अभी खाली कर दिया गया है, और यहाँ पे अभी ना तो ऊपर जाने का रास्ता है ना तो कुछ है। कम से कम सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तक यहाँ ना जो ये रेत है ये आया है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कहाँ तक बाढ़ आया था। ये चेक करेगा इस, ये शायद फर्स्ट फ्लोर होगा घर का, वहाँ पे पूरा ये रेत आया हुआ है, और ये पूरा का पूरा जो है एक बाज़ार है, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब ये घर ना कुछ काम का नहीं रहेगा, क्योंकि जो फाउंडेशन है सब कुछ हिल चुका है। इतना बड़ा नुकसान गाइस, भारी नुकसान। ये चेक करेगा इस क्रेन पिकअप गाड़ियाँ सब कुछ दब गया है अंदर। अब इसको निकालना भी बहुत ही मुश्किल पड़ेगा, और ये निकालेगा भी कुछ काम का नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। चेक करेगा ये सारा का सारा जो था ना, यहाँ पे गांव था, गांव नहीं एक छोटा मोटा बाजार ही था। यहाँ से भी बड़ा नुकसान कहाँ हुआ पता है आपको, वो हुआ है सिंगताम में गाइस। तो अभी यहाँ से सिंगताम तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ का रोड जो है बहुत ही अभी मतलब ख़त्म ही हो गया है। और अभी ये रंपू का नज़ारे गाइस, ये जो नदी है ना ये भी बढ़ के ना गाइस पूरा यहाँ यहाँ तक आया था, और ये जो रंपू का जो भी बाजार था सब कुछ ख़त्म। इतनी भारी नुकसान, ये गाड़ियाँ ना आप चेक करें, यहाँ से लेकर ना रोड के बीचों में गाड़ियाँ दबी हुई है, और वहाँ पे गाड़ी उल्टी पड़ी है, तो वहाँ पे ट्रक दबा हुआ है, आगे फॉर्च्यूनर क्रेन एक्सकैवेटर सब कुछ यहाँ पे जो है ख़त्म तहस नहस हो गया है गाइस। रंपू में तो भाई बहुत ही भारी नुकसान हुई है गाइस, इतनी बड़ी नुकसान हो गई, कुदरत का कहर है, क्या ही कर सकते हैं गाइस। लेकिन ये ना गाइस आप कुछ ब्लॉग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये एक वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आप भी देखें कितना बड़ी नुकसान हुई है, और आपके भी घर नदी के आसपास है तो प्लीज़ अलर्ट रहिए, और ऐसे नदी के सामने घर ना बनाए, क्योंकि घर बनाने से भी अभी क्या ही फ़ायदा होगा जो एक दिन बाढ़ आके ले जाएगी। तो भाई एक अभी सीख तो हमें मिली है ना, तो नदी के जो भी आजू बाजू या तो वो सामने घर ना बनाए, क्योंकि एक दिन ना घर तो चली जाएगी, और लोग भी यहाँ से मतलब कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे भी ना बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे शायद दबी हुई है अंदर, रेस्क्यू टीम का ऑपरेशन चल रहा है, और भाई लोग ना अभी 100 से ऊपर लोग यहाँ पे मिसिंग है, और टूरिस्ट भी यहाँ पे फंसे हुए हैं बहुत सारे। इन सबको गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम कर रहा है, बाहर निकल रहा है। ब्रिज के आगे पीछे जो ट्रक्स है ना, ये सब हाईवे ट्रक है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होती है, ये सब अभी रोड ना होने के कारण ना सब कुछ अभी यहाँ पे फंसा हुआ है। सब लोग अभी ये ड्राइवर लोगों को ना यहीं पे खाना पीना हो रखी है, क्या ही कर सकते हैं गाइस, ये रोड पे ही खाना बना रहा है खा रहा है, अभी ट्रक मिस हो रहा है, जाए भी तो कहाँ जाए, करे भी तो क्या करे, अभी कुछ भी अभी कुछ समाधान नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसे शॉर्ट टाइम में ये नहीं होगा, फिर बाद में फिर कुछ ना कुछ होगा गाइस। तो अभी फ़िलहाल यही था आज का वीडियो है ना, तो आज का वीडियो ना यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक सीख तो मिली आप हम सबको कि हमें नदी के सामने या तो कोई भी तालाब के सामने ना घर ना बनाए एकदम नज़दीक में, क्योंकि भाई बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगी बाद में। रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी नदी या तो बड़े बड़े तालाब के सामने आप घर ना बनाए, क्योंकि भाई एक बार बाढ़ आ जाती है ना तो कुछ भी नहीं हाथ में बचता सिवाय आपके, और आप भी सही टाइम पे निकल गए तो। तो गाइस अभी वीडियो का करते हैं यहीं पे ख़त्म, और प्रेफर सिक्किम, प्रेफर रंपू, एंड प्रेफर टिस्टा। ओके तो गाइस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भगवान है।
कहाँ रे तू।